कहाँ आए हो? बागेश्वर धाम सरकार की जय। ये व्लॉग यादगार रहेगा नहीं? वो कितना बढ़िया बना रहे हैं, बहुत अच्छे से बना रहे हैं। तो तुम सब देखो, तरीके से कंप्लीट नहीं हुए हैं। ओहो, और यहाँ देखो, ये है ना जय श्री राम वाला। यार काफी अच्छा बनाएंगे ऐसा लग रहा है। नहीं स्टेजिंग इस बार का पहला जो है, नहीं 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 थर्मोकोल का सब। ये देखो अंदर, ये देखो ना। सो गाइस, काम तो बहुत सारा बचा हुआ है, बहुत सारे काम बचे हुए हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी कंप्लीट होगा। हो जाएगा भाई, दिन रात काम चल रहा है, दिन रात चल रहा है, 12 दिन से चल रहा है घंटे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, टुडेस व्लॉग। आज का जो व्लॉग है, मैं आज दिखाने वाली हूँ कुछ अलग। क्या दिखाने वाले हम लोग आज? हमारे शहर में धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार वाले आएंगे और उसकी सेटअप हम लोग आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारे घर के तुरंत पास है, आधा किलोमीटर की दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस बस है। और बहुत सौभाग्य है हमारा कि हमारे घर के इतना पास है, हम लोग तो जरूर जाके जरूर देखेंगे उसको और आप लोगों को भी दिखाएंगे जो तैयारियां हो रही है। और अगर मौका मिला तो आप लोगों को लाइव भी दिखाएंगे। अभी तो टाइम है क्योंकि अभी चल रहा है काम, तो हम लोग जहाँ काम चल रहा है ना, पूरा सेटअप चल रहा है, वहाँ जाके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या तैयारी चल रही है, क्या क्या चीज़ होने वाला है ना, वो दिखाएंगे अभी। तो पहले हम लोग खुद रेडी हो जाएगा इस, उसके बाद जाके दिखाएंगे, ऐसे नहीं जाने वाले। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना और पूरी चीज़ें देखना। नहीं करते गाइस, हम लोग ना अभी वहाँ पर आए हुए हैं। देखो तो राम जी का वो भी पुतला भी है, ये भी खड़ा होगा। हाँ, राम जी का पुतला भी है, ये खड़ा होगा, अभी बना नहीं है, लेकिन 22 तारीख के लिए, 22 तारीख के लिए तैयार हो रहा है ना, लेकिन हो जाएगा। देखो गाइस, यहाँ पर होगा बागेश्वर। जैसे भी चल, आप कुछ कहना चाहोगे? आप कहाँ आए हो? बागेश्वर धाम सरकार की जय। वो तो ठीक है, लेकिन जगह देखने आए, जगह देखने कहाँ होने वाला है? नमाते ये बोली नमाते सुनो। हाँ, हमारे यहाँ रायपुर में, हमारे रायपुर में बागेश्वर धाम सरकार आ रही है। कहाँ बैठेंगे उसको? आ रही है नहीं, आ रहे हैं, आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। हनुमान जी की बहुत संपूर्ण कथा होने वाली है, तो देखो उनके सजावट के लिए तैयारियां पहले से देख रहे हो। ग्रीन ग्रीन जो मैट है वो बिछ चुका है गाइस। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, बोलो राम। पता नहीं कितना सुबह आके जगह है करेंगे सामने बैठने। हाँ, वो तो नहीं पता, लेकिन गाइस अभी हम लोग क्या है ना, मैं बच्चा लेके तो आ नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं अभी आके जगह देख रही हूँ और बाकी तो टीवी में देख लेंगे हम जैसा भी रहेगा, क्योंकि बच्चे को पकड़ के इतने भीड़ में आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा आइडिया था कि मैं अभी यहाँ आके देख लूँ कैसा है, क्या है जगह, सारी चीजें, इतनी लाइटें लगी हुई है ना सब तरफ की, क्या ही बताऊँ मैं। पता है पिछले 10-12 दिन से हमारे क्या हमारे यहाँ शादी पार्टी में 12,000 रुपए का जनरेटर क्या लाइट लगी है, समझ नहीं आ रहा। रूप लाइट, रूप लाइट है वो तो सब। हाँ देखो, रोप लाइट लगी है पूरी, कपड़े में रोप लाइट फंसा दिया। आगे से देख के आते हैं स्टेज कैसा रेडी हो रहा है। बाकी तो बहुत लंबा है यहाँ से वहाँ तक भाई साहब, बहुत भयंकर है। मुझे लग रहा है यहीं तो नहीं बैठेगा, इसी को वहाँ 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 सामने सामने उधर उधर बैठेंगे। सो गाइस, सबसे पहले ना हम ही लोग आ गए हैं, कोई आए मत है, भीड़ इकट्ठा हो या मत हो, और हमने बनते हुए पूरा देख लिया। हाँ, बनते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये देखो उधर भी दर दिखाए, क्योंकि ये हमारे घर बना है यार, हमारे घर से तो आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है ना, आधा किलोमीटर भी दूर नहीं, हमारे घर के पड़ोसी टाइप से है, मतलब बाजूच में है कि वॉकिंग डिस्टेंस में, तुरंत आ जाओ सुन लो ऐसा वाला है। और बाकी हम लोग स्टेज देखेंगे और लोकेशन देख सकते हो गाइस आप सारा, यहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं, सोचो आराम से घुलन घुलन के खेल रहे हैं। मैट देखो कितना, इतना साफ सुथरा बिछा हुआ है, नया है, नया है तो का है ना। और ये सोचो ये इतना प्लेन है ना कि अपट के भी नहीं गिर रहे हैं, पता है बहुत पैसा खर्च हुआ है, बहुत पैसा खर्च हुआ है, पूरा न्यू न्यू मिलता है, पता है
भाई साहब 50 लाख रुपए के तो मैं तो यार इसमें वो दीवार बना दी है पूरी उधर देखो। अरे उधर वो दीवार दीवार खड़ी करी है किसी चीज के लिए। हाँ अब हो गया बच्चा नहीं था चल सब। ये बीम पिलर देखना तो माते देखना तो बीम पिलर कितने हैवी हैवी है ना इतना मोटा मोटा वो भी क्या चीज ये कलम। अरे ये भी कितना मोटा सा है हां ओहो भयंकर मोटा है इधर ना कुछ हो गया। ये तो बैठने का ही एरिया है ना सब। हां यहां से आओ ना उनका आसन देखते हैं भगवान का आसन देखते हैं भैया। वीआईपी नहीं सब बराबर बैठेंगे भाई। जो पहले आएगा वो यहाँ बैठ जाएगा सामने जो बाद में आएगा वो उधर उधर आएंगे। हाँ वो तो है। बच्चे पकड़ लो भाई थोड़ा सा बाकी तो अच्छा लोग ये कर रहे हैं देख तू पूछने आए तेरे से भी कोई पूछे तो अच्छा लगता है ना। हाँ वो देख माइक में पूछ रहे हैं अगर कोई पूछे ना तो आप व्लॉग बना लेना वो देख ठीक है। एक नंबर लग रहा है बहुत अच्छा बन रहा है यार। अभी अभी और डेकोरेशन इधर उधर देखना तो पूरा अच्छा यहाँ नहीं घुस सकते ये शायद सेपरेट पोर्शन है ये। हाँ। गद्दे लगे हैं इसमें। हाँ। और वीआईपी के लिए क्या और वीआईपी के लिए क्योंकि पार्टीशन है ना अलग 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 वहाँ से एंट्री करेंगे सब लोग तो मजा आ रहा है ना गाइस देख के पहले से ही शुरुआत बनते हुए देख लो। हाँ। और सारी चीजें हो जाए तो सब बनने के बाद देखा ना बाकी बनते हुए ऐसे देख सकते हैं तो काम है ना। दिन रात चल रहा है काम देखो स्प्रे पेंटिंग चल रहा पूरा लाइव कहाँ उस तरफ में वो कौन है पेंटिंग चल रहा है हाथ की कलाई चल रही है पता है। बेचारा बच्चा रुला दी कान में लग गया मेरे की इयररिंग में लग गया था बता रही हूँ यहाँ पर शायद सब सामने वाला तो चल अच्छे से देख लेंगे और उस पर जो दरी बिछा है उधर कौन देखेगा स्क्रीन से देखेंगे स्क्रीन इतनी बड़ी बड़ी यहाँ सब स्क्रीन लगेंगे भैया बीच में वो भी हर एक पिलर छोड़ के स्क्रीन लगेगी ताकि ऐसे बड़ा और भी आपको अच्छा देखना है। संस्कार टीवी का जो चैनल है ना संस्कार उस पर लाइव चले गई है 3 से 7 बजे तक लाइव मेरा बाबू देख लिया पहले सुना तो कैसा आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे बताओ सभी को चलो बोलो अपनी भाषा में बता दिए बोलो आंसू पोछो तो इसका आंसू आ रहा है। सो गाइस स्टेज में जो है ना कुछ बन रहा है वो मैं अच्छे से दिखाती हूँ कि क्या बन रहा है क्योंकि हमने अभी अभी नोटिस किया कि क्या बन रहा है देख सकते हो मेरे पीछे पंडाल कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइस चलो ना ये देख के आते हैं किधर से जाएंगे यार उधर घुसने का है ना ये घुसने का हिस्सा राम मंदिर की तैयारी चल रही है यार एकदम गजब यार इधर एक्सपीरियंस चित्रकला यार कला है इधर देखो सब अभी आधा आधा है कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है बस होने वाला है देखो भैया पहली बार देख रहे हैं इस तरीके से देखो राम जी देखो कितने पहले लग रहे हैं है ना हनुमान जी महाराज सब बनाए यार उन्होंने बनाया स्टेज के पीछे जाते हैं भैया हम लोग स्टेज के पीछे बैक स्टेज पे यहाँ से नहीं जा पाएंगे लॉक है बंद हो गया तो गाइस ये बैक स्टेज और इधर राम मंदिर बन रहा है आगे चलो राम मंदिर दिखा चलो राम मंदिर कितना अच्छा अच्छा पेंटिंग बनाया यार एकदम सब समय थे सब लोग रहेंगे हाँ कलाकारी देख रहे हो कितनी बढ़िया ये व्लॉग यादगार रहेगा नहीं वो कितना बढ़िया बना रहे हैं बहुत अच्छे से बना रहे हैं तो तुम देखेंगे
राम मंदिर तो दिखा दो, राम मंदिर की तैयारी बन रही है। ये देखो गाइस, यहाँ पे जो है ये राम मंदिर बन रहा है। ये जो थीम है ना, ये राम मंदिर का थीम है। अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुए हैं। और यहाँ देखो, ये है ना जय श्री राम वाला। यार काफी अच्छा बनाई है ऐसा लग रहा है, नहीं स्टेजिंग इस बार का ना। तो देखो ये राम मंदिर की थीम बन रही है यहाँ पे। पहली बार मतलब राम मंदिर के उद्घाटन के बाद सबसे पहला जो है, नहीं 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 थर्मोकोल का सब। ये देखो अंदर, ये देखो ना, देख रहे कितना परफेक्ट बनाया एकदम, है ना। फंस गया, ये रोको, पैर में फंस गया मेरी। अरे ये देखो, ये रहा थर्मोकोल पे, कितना प्यारा है, कितना बढ़िया बनाया था मैं पहले। देखो अगर मैं नहीं बोलती ना तो अभी आप लोग को ये सब देखने को नहीं मिलता। मैं गाड़ी नहीं घुमाता ना तो नहीं होता। उधर को राम जी का वो तब्बू बन रहा, वो मंदिर का ऊपर ऊपर का हिस्सा, कमाल की आर्टिस्टिक चल रही है ना। वो देखो बन रहा उधर, वो देखो राम मंदिर बन गया उधर, उधर का हिस्सा बन गया पूरा। राम मंदिर का वो बना रहे हैं बीच में बैठ के, वो बागेश्वर धाम सरकार बीच में बैठेगा और कहानी बताएगा। सो गाइस, काम तो बहुत सारा बचा हुआ है, बहुत सारे काम बचे हुए हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी कंप्लीट होगा। हो जाएगा भाई, दिन रात काम चल रहा है, दिन रात चल रहा है, 12 दिन से चल रहा है, घंटे हो गए पूरे काम करते। और आज कौन सी तारीख है, 21, 22, 23, 3 दिन में पूरा कंप्लीट करेंगे। 3 दिन में होने को है। अरे आराम से कर देंगे भैया, 3 दिन में तो 3 दिन बहुत होते हैं टेंट लाइन के लिए। अभी ये सारे लोग काम करेंगे ना, पूरा काम करेंगे। तभी तो 23 तारीख तक कंप्लीट होगा, 22 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहां बैठ के वो करेंगे और हम लोग वहां बैठे रहेंगे। अब वो वाली फीलिंग आ रही है जिसके शहर में होता है ना, वो कथा जो मजा आ जाता है उस कथा में, वो तो है। सही बोल रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे तो यहीं पर आके, अच्छा लग रहा है। इसका टोपी तो अंदर कर रखे ना। सो गाइस, यहाँ तो घूम के ही अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ, एकदम ऐसा लग रहा है यहाँ पर ना बैठ जाए। इन लोग का डिस्कशन सुन लो, 1 करोड़ रुपए तो लगे, डिस्कशन चल रहा है 1 करोड़ रुपए लगे होंगे करके। मुझे नहीं लगता इतना लगे होंगे, इतना लोहा है देखो वो ना, पूरा लोहा तो बना है बहुत ज्यादा, मतलब भाई 6-7 दिन के लिए इतना ज्यादा काम जाम हुआ है, क्या ही बताऊँ मैं। पीछे देख सकते हो काम अभी भी चल ही रहा है, लाइट इतनी लगी है। बच्चे कैसे खेल रहे हैं यार, बच्चे खेल रहे हैं, उसको दिखाती हूँ। देखो बच्चे लोग पहले आ गए, तुम लोग एकदम मस्त खेल रहे हैं यहाँ पे आके। सो गाइस, देख सकते हो ना मेरे पीछे पंखे लगे हुए हैं, ठंडी के दिन में पंखे की क्या जरूरत है इसका मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन पूरे लाइन से जो है ना वो भी पास में, देखो यहाँ लगा मेरे सर के ऊपर लगा, इधर भी लगा, सब तरफ पंखे बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं। आते कितना ठंडा लग रहा है, कुल्फी जम गई है कुल्फी। यहाँ से निकलने में इतना ठंडा लग रहा है वहाँ से, तो हम लोग को बिल्कुल नहीं लग रहा। और यहाँ तैयारियाँ अभी भी चले जा रही है स्ट्रेच वगैरह की, देख सकते हो इधर भी काम धाम चल रहा है, कि यहाँ भी काम धाम चल रहा है, सारे मैट बिछे हुए हैं, उधर भी इतनी सारी लाइट लगी हुई है, पता नहीं दिन में रात में भी चलेगा क्या है। रात दिन सुबह 24 आवर्स 3 शिफ्ट कौन बैठेगा यहाँ पर, पता नहीं क्या होगा, लेकिन यहाँ पर भी काम धाम चल रहा है, यहाँ पर भी कुछ होने वाला है, पता नहीं क्या होगा। ठंडी लग गई गाइस, बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े हो गए, क्या बताऊँ एकदम से। अब आ रही है इधर ठंडी लग रही है, रोज पड़ रही है। और गाइस एक चीज़ और पता चला अभी यहाँ झूला भी, खुशबू तो आ रही है यार, भंडारा हो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को तो, हाँ हो रहा है। और झूला भी लगने वाले हैं और टेंट वगैरह भी, खाना पीने का भी इंतजाम रहने। चलो देख रहे हैं, वहाँ भी चल रहा
चल रहे हैं यार, पूजा पाठ चल रहे हैं। वैसे हम लोग अपनी कार के पास पहुंच गए हैं, ठंडी ज़्यादा है तो बच्चों को ज़्यादा देर बाहर नहीं रखते। हम पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास में। इसमें बोली थी ना यहाँ झूले वूले की भी व्यवस्था है, देखो सारी चीज़ों की व्यवस्था हो रही है। सबसे पहले तो यही झूला दिख गया, अभी और भी आएंगे। देखो दूसरा वाला भी लग रहा है। हाँ दूसरा वाला भी चालू हो रहा है, यहीं पर होगा पूरा झूले वूले की व्यवस्था, सब यहीं पर रहेगी। और देख लो भाई पूरे रास्ते में तो ये है तोरण लगी है, हम लोग झूला लगे। सो गाइस हम लोग निकले थे दोपहर में और अभी पहुंच रहे हैं शाम को 7 बजे घर। काफी ज्यादा थक गए और भूख लग रही है बहुत तेजी से। अब देखते हैं कुछ बनाने के लिए, बाबू सो गया उसको सुला दिया जाए। सो रहा है अब तो, सोने बेटा, वो यूं करके रो रहा था। तो गाइस अभी अब हम लोग ना जा रही हूँ मैं खाना बनाने, उससे पहले मैं करूँगी चेंज क्योंकि साड़ी में बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस, बहुत प्रॉब्लम होती है। साड़ी संभालो कि काम करो, ये पल्लो संभालो बहुत दिक्कत होती है। पता नहीं लोग साड़ी पहन के काम कैसे करते हैं, या काम करते होंगे ना तो साड़ी को उल्टा पुल्टा पहन के करते होंगे, लेकिन सही से साड़ी पहन के काम करना पॉसिबल नहीं होता। अब फिर रो रहा है मेरा बच्चा। तो गाइस बाय बाय गाइस, बाय बाय।